वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ये इसका 21-16 ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश का स्वरूप। इस इकाई की रूपरेखा देख लेते एक बार। उद्देश्य प्रस्तावना, व्यापार नीति, द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, विश्व व्यापार, ऑस्ट्रेलिया व्यापार का स्वरूप, संयोजन और दिशा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संकल्पना, प्रमुख क्षेत्र, स्रोत, नीति, विस्तार, प्रोत्साहन, सारांश और शब्दावली। उद्देश्य, आइए हम उद्देश्य को देख लेते एक बार। ऑस्ट्रेलिया औद्योगिक देशों में अपेक्षाकृत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने वाला देश है। इस देश को भूमंडलीकरण और उदारीकरण के प्रति सकारात्मक रूप अपनाया है, जो विश्वव्यापी विशेषता के रूप में सामने आया है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप ऑस्ट्रेलिया की व्यापार नीति को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से के रूप में वर्णन कर सकेंगे। वस्तुओं के संयोजन तथा विस्तार दोनों के शब्दों में ऑस्ट्रेलिया के विदेश व्यापार के ढांचे का विश्लेषण कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश व्यापार नीति का वस्तु संरचना तथा दिशा के संदर्भ में मूल्यांकन कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई विदेशी निवेश नीति की व्याख्या कर पाएंगे तथा विदेशों में ऑस्ट्रेलिया निवेश की समीक्षा कर सकेंगे। प्रस्तावना, अब इसका इंट्रो स्टार्ट हो रहा है। विदेशी और व्यापार नीति के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता का ये महत्व है कि ये देश के राष्ट्रीय हितों एवं विकास के लिए द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक प्रयासों का संकल्प नहीं है। सभी तीनों दृष्टिकोण एकनात्मक रूप से तथा पारस्परिक सहयोग के रूप में विकसित हुए हैं। द्विपक्षीय कार्यसूची में सरकार की प्राथमिकता द्विपक्षीय संबंधों पर है। ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय मुद्दों में उन्हीं क्षेत्रों में भाग लिया है जिनमें उसके राष्ट्रीय हितों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऑस्ट्रेलिया की सार्वभौमिक हितों में रुचि है, जिसके लिए विदेशी और व्यापार नीति का व्यापक होना आवश्यक है। एशिया प्रशांत देशों के साथ अपने संबंधों को कायम रखने की प्राथमिकता अमेरिका, यूरोप तथा किसी अन्य देश के उसके महत्वपूर्ण हितों को कम नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया को अपने इतिहास तथा भूगोलिक स्थिति के परस्पर जुड़े होने से अद्भुत शक्ति मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की भूगोलिक स्थिति उसे पूर्वी एशिया से जोड़ती है, जो तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। दूसरी ओर इसका इतिहास तथा संस्कृति इसे यूरोप तथा संयुक्त राज्यों से केवल घनिष्ठता से संबोध नहीं कराती, जहाँ उनके महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामरिक हित जुड़े हुए हैं, अपितु पूर्वी एशिया में व्यापारिक एवं क्षेत्रीय साझेदार के रूप में उनको महत्व भी प्रदान करती है। अगले दशक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश और व्यापारी नीति पर भूमंडलीय और नियंत्रण पूर्वी एशिया के विकास का गहरा प्रभाव होगा। व्यापार नीति के लिए भूमंडलीकरण के व्यापक उद्देश्य है, क्योंकि वह उसकी विदेश और घरेलू नीतियों में विभाजन को प्रभावित करते हैं। एकीकृत नीति की संरचना ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था की जो प्रतिस्पर्धा क्षमता है, यही एक ऐसा घटक है जिसके बल पर ऑस्ट्रेलिया का भविष्य निश्चित होगा। यही प्रमुख मानदंड है जिससे ऑस्ट्रेलिया की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की समीक्षा है। व्यापार नीति, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार नीति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय प्रयासों का एक एकीकरण संयोजन है, जिसका लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया व्यापार तथा ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक हितों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे संभावित विचारों की तलाश करना है। इस लक्ष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया की व्यापार नीतियों का समुचित ध्यान ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं, सेवाओं और विदेशी बाजारों में निवेश की बाधाओं को कम करना, बाजारों को विकसित करना तथा इन बाजारों में स्वयं को ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश की आपूर्ति करने वाले देश के रूप में विकसित करना। निर्यात में वृद्धि की आशा से सरकार ने संरचनात्मक व्यापार प्रतिबंधों को कम करने तथा अर्थव्यवस्था के बड़े भागों को बंधन मुक्त करने
के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को विकसित किया है। सरकारी सेवाओं दोनों स्तरों अर्थात संघीय स्तर वायु बैंक दूर संचार तथा राज्य स्तर जल परिवहन विद्युत इत्यादि पर दोनों ही निजीकरण पर जोर दिया गया है। अक्टूबर 1990 में विमान उद्योग को नियंत्रित मुक्त करने तथा वर्ष 1991 से पूर्व ऑस्ट्रेलिया दूरसंचार से प्रतिस्पर्धा में दूसरे संचार उद्योग की स्थापना के मापदंडों को अंतिम रूप देना दो बड़ी सफलता प्राप्त की है। एक जुलाई 1988 को औसत सीमा शुल्क लगभग 70% तक कम करने का कार्यक्रम आरंभ किया। इसके अनुसार वस्त्र उद्योग, जूत उद्योग, जूते और कुछ वाहनों को जोड़कर सभी प्रकार की सीमा शुल्क 5% कम कर दिया गया। सीमा शुल्क में कमी के साथ ही व्यापार और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को स्थिर करना तथा ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के अन्य सुधार करना ऑस्ट्रेलिया तथा ऑस्ट्रेलियाई लोगों की प्रसिद्धि की तरफ एक कदम था। इन लाभों के कारण सरकार सार्वभौमिक व्यापार उदारीकरण के प्रति दृढ़ संकल्प रही, जिसके साथ एपेक बोगर घोषणा में निर्धारित वादों के अनुसार एशिया प्रशांत में युक्त और खुला व्यापार तथा निवेश के उद्देश्यों को पूरा करना शामिल था। इसके बाद बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ अपने परंपरागत संबंधों को भी बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार का प्रत्येक देश से अलग व्यापार को प्राथमिकता देता है। उसने सबसे पहले बाजार विकास कार्यबल की स्थापना की, जिससे द्विपक्षीय बाजार के लिए अल्पकालीन उद्देश्यों तथा व्यापार संदर्भ तथा सरकारी कार्यों में संबद्ध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। व्यापार के लिए तुरंत एक प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करने के लिए विशेष जोर दिया गया। अपनी स्थापना के बाद से बाजार विकास कार्यबल ने लगभग 100 प्रमुख बाजारों में अपने में सफलता प्राप्त की। ऑस्ट्रेलिया व्यापार के साथ संपर्क रखकर नियमित रूप से कार्यबल की प्राथमिकताओं को नवीनतम बनाता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के हितों के साथ गहन रूप से जुड़ने वाले देश जो ऑस्ट्रेलिया की नीति की मुक्ति रूप देने के लिए अपना अधिकार समझते हैं तथा वह इसके व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इसमें सर्वप्रथम है एशिया प्रशांत क्षेत्र की 3 प्रमुख शक्तियाँ तथा बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ सहित राज्य अमेरिका, जापान और चीन तथा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पड़ोसी देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने कोरिया गणतंत्र, अन्य आसियान देशों तथा दक्षिणी प्रशांत एवं पपुआ न्यू गिनी देश व्यापार व्यवसाय के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। इस संबंध से ऑस्ट्रेलिया की एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा की पूर्णता तथा दृढ़ता निश्चित होता है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की एशिया प्रशांत देशों में उपस्थिति मजबूत होती है। इस उपस्थिति को एशिया प्रशांत क्षेत्र में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। क्षेत्रीय व्यापार। एशिया आर्थिक सहयोग संगठन एपेक ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय व्यापार नीति का प्रमुख घटक रहा है तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रयासों का महत्वपूर्ण साधक है। एपेक का औपचारिक एजेंडा काफ़ी विस्तृत है और इसमें व्यापार और निवेश, उदारीकरण, व्यावसायिक सरलीकरण, आर्थिक और तकनीकी सहयोग एवं देश की आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी नीति परामर्श देना शामिल है। एपेक एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं के लिए अपनी वार्षिक बैठक में तत्कालीन क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक रूप से महत्वपूर्ण सूचना तंत्र प्रदान करता है। एपेक की पहली बैठक 1979 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेगवरा में हुई थी। उस समय से अब तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार और व्यापारिक सहयोग के विकास के लिए अनौपचारिक व्यवस्था के समूह को विकसित करके प्रमुख संगठन बन चुका है। एपेक सदस्यों का संयुक्त उत्पादन विश्व निर्यात का लगभग आधा आंका गया है और विश्व के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा एपेक का स्वीकार किया गया है। इसके सदस्यों की संख्या 21 हो गई है।
जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और ओशिनिया प्रमुख हैं। इसके आकार और विविधता को स्पर्श करता है और अन्य प्रमुख बहुपक्षीय व्यापारिक स्तर पर चुनौती देता है। ऑस्ट्रेलिया एपेक का एक सक्रिय सदस्य है तथा एपेक के सदस्य और मुक्त व्यापार के 20% तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तथा उसके विकसित विकास में 2020 तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इन लक्ष्यों के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया के निर्यातों और निवेशकों के लिए क्षेत्रीय बाजार विकास सुधार महत्वपूर्ण होगा तथा इस समूह क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि तथा जीवन स्तर में अत्यधिक प्रगति होगी। वर्तमान में एपेक के अन्य सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया के 2/3 व्यापारिक तथा सेवाओं का निर्यात किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय प्रयास एपेक तक ही सीमित नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ अपने स्वतंत्र व्यापार अनुबंधनों और भागीदारी के माध्यम से सरकार दक्षिणी अमेरिका देशों के साथ और अधिक संबंध मजबूत बनाने का तथा आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही है। ऑस्ट्रेलिया भारतीय महासागर क्षेत्र के क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग पर भी विशेष बल देता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के माध्यम से बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए अगले कुछ वर्षों कठिनाई से भरे होंगे। यह देश बहुपक्षीय व्यापार समझौते के नए व्यापक राउंड 37 राउंड का पूरा समर्थन करता है क्योंकि उसका विश्वास है कि इस दृष्टिकोण से विशेष ऑस्ट्रेलिया के निर्यातों को सामान्य विश्व व्यापार महत्वपूर्ण लाभ होगा। उसके क्रमश 1999-2000 सरकारी कृषि तथा सेवा समझौते को आरंभ करने के लिए प्राथमिकता निश्चित कर ली है। औद्योगिक शुल्क पर नए समझौतों की दिशा में विश्वास व्यापार संगठन की मई 1999 में मैत्री स्तर की बैठक में अच्छी प्रगति हुई। ऑस्ट्रेलिया के इन क्षेत्रों और अधिक उदारीकरण के व्यापक लाभों को प्राप्त करने में समर्थक रहा है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि पिछले बहुपक्षीय व्यापार पर सीमा शुल्क और व्यापार का साधारण समझौता गेट के उपगुरुवे बैठक के बाद से सभी प्रावधान लागू होने पर ऑस्ट्रेलिया की आया में लगभग $5 अरब प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी। इसका अर्थ यह है कि ऑस्ट्रेलिया के निर्यातों के लिए और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए और अधिक रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। के समूह के अध्यक्ष के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कृषि समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया अन्य विश्व व्यापार संगठन समझौते के माध्यम से भी अपने हितों में और वृद्धि कर सकता है। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुबंध पर वातावरण विश्व व्यापार संगठन समझौते में सीमा शुल्क में कमी से ऑस्ट्रेलिया के दूर संचार निर्यात में करीब प्रतिवर्ष $4,000,000 की वृद्धि होगी। इसके साथ ही मूलभूत दूरसंचार सेवाओं और वित्तीय सेवाओं पर विश्वास व्यापार संगठन के समझौते में ऑस्ट्रेलिया भागीदारी है। इस समझौते के $1,00,000,000 के विश्व बाजार के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के निर्यातों के लिए निर्यात और निवेश के महत्वपूर्ण नए अवसर उपलब्ध होंगे, इसके परिणाम स्वरूप तथा ऑस्ट्रेलिया के अपने ही देश में रोजगारों की वृद्धि होगी। ऑस्ट्रेलिया व्यापार का स्वरूप संयोजन वर्ष 1998-99 में ऑस्ट्रेलिया का निर्यात $86,000,000,000 था जो पिछले वर्ष की तुलना में 2% कम था। ऑस्ट्रेलिया ने उसके महत्व के आधार पर 10 उच्च वस्तुओं का निर्यात किया। कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में जो ये थे: कोयला 10.80, स्वर्ण 7.40, लोहे अक्से 4.50, गेहूँ 3.90, एलमुनियम 3.80, मांस 3.40, बिटकरी 3.30, कोरे 2.40, गैस 2, पेट्रोल 1.90, कपास 1.8। इस निम्न तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है। तालिका ऑस्ट्रेलियाई निर्यात की वस्तुओं का संयोजन 1998-99 वस्तु मूल्य
कुल निर्यात का प्रतिशत। कोयला 9283.80। स्वर्ण गैर मुद्रिक स्वर्ण आच्छादित तथा केंद्रित के अंतरित 6335। 7.40 लोहा अक्ष से केंद्रित और सचित पिंड लगाया हुआ लोहा के अतिरिक्त 3843। 4.50 गेहूँ सहित और मिसलिंग असंगठित 3396। 3.90 एलुमिनियम 3298। 3.80 फिटकरी ऑक्साइड 2930। 3.40 गाय जाति पशुओं का मांस ताज़ा सिसित या जामिया हुआ 2843। 3.30 कार तथा अन्य भूहन 2099। 4.40 गैस प्राकृतिक और उत्पादिक 1727। 2. पेट्रोलियम तेल तथा डॉलर की खानों से प्राप्त तेल कच्चा तेल 1597। 1.90 कपास जूट के अलावा बिना धुना या साफ किया हुआ 1559। 1.8 जून 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष को 57,96,623 मिलियन डॉलर का आयात किया गया जो खाद्य वर्ष के अधिक प्रतिशत है। बाद में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार का संतुलन नकारात्मक रहा जो कि उस वर्ष में 11,630 मिलियन डॉलर तक था। वर्ष 1998-99 में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख निर्यातित वस्तुओं का प्रतिशत उसके महत्व के क्रमश अनुसार निम्न प्रकार था। कार 6.6, कंप्यूटरिंग उपकरण 4.6, पेट्रोलियम तेल 3.7, दूरदर्शन उपकरण 3.7, चिकित्सा से संबंधित उत्पादन 3.1, वायुयान 2.5, परिधान 2.5, रसायन 2.4, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन 2.3, मोटर वाहनों को साजो सामान 2.3, कंप्यूटर्स के उपकरण 2.3। इसे निम्नलिखित तालिका 2 में दर्शाया गया है। तालिका 2 ऑस्ट्रेलियाई आयात की वस्तुओं का संयोजन 1998-99 वस्तु मूल्य कुल आयात का प्रतिशत कार तथा अन्य यात्री वाहन सार्वजनिक परिवहन वाहनों के अतिरिक्त 6483.6। कंप्यूटरिंग उपकरण 4497। 4.6 पेट्रोलियम तेल तथा डायर खनिजों से उत्पाद 3601। 3.7 कच्चा तेल दूरसंचार उपकरण पुर्जों का साफ साझा सामान 3586। 3.7 चिस्का से संबंधित उत्पादन 3041। 3.1 वायुयान उसके कर पुर्जे 2451। 2.5 परिधान और वस्त्र 2459। 2.5 रासायनिक जैव 2388। 2.4 मलर परिवहन के लिए वाहन 2202। 2.3 वाहन और पैट्रिक स्ट्रिंग लाइन तथा पहिए 2210। 2.3 कंप्यूटरों और कार्यालय मशीनों के लिए उपकरण और अन्य कन पुर्जे 2227। 2.3 दिशा। अब देखा गया है कि 1998-99 में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का सबसे बड़ा क्षेत्र एपेक क्षेत्र रहा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का 71% निर्यात था। यूरोपीय संघ के निर्यात 13% हाँका गया। द्विपक्षीय व्यापार में जापान ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा व्यापार था जहाँ 1998-99 में ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का 19% निर्यात हाँका गया। निर्यात के महत्व के अनुसार अन्य देशों को किए गए निर्यात को तालिका 3 में दर्शाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 9.27, कोरिया गणतंत्र 7.34, न्यूजीलैंड 6.76, ब्रिटेन 5.12, ताइवान 4.87, चीन 4.58, सिंगापुर 3.97 में हाँका गया।
हक गंग 3.56, इंडोनेशिया 2.55 तथा भारत 2.15। तालिका 3, ऑस्ट्रेलिया ई निर्यात की दिशा 1996, 1997, 1997, 1998, 1999 कुल निर्यात का प्रतिशत। कुल विश्व 78,932, 87,759, 86,000, 100.0। कुल एपेक 59,678, 64,213, 61,350, 71.27। जापान 15,377, 17,582, 16,587, 19.87। कुल EU 8,171, 10,236, 11,574, 13.45। संयुक्त राज्य अमेरिका 5,526, 7,794, 7,942, 9.27। कोरिया गणतंत्र 7,134, 6,397, 6,324, 7.34। न्यूजीलैंड 6,214, 5,663, 5,820, 6.76। ब्रिटेन 2,357, 3,040, 4,419, 5.12। ताइवान 3,620, 4,180, 4,198, 4.87। चीन 3,584, 3,872, 3,945, 4.58। सिंगापुर 3,410, 3,697, 3,421, 3.97। हांगकांग SAR ऑफ चीन 3,105, 4,138, 3,068, 3.56। इंडोनेशिया 3,305, 2,725, 2,200, 2.55। भारत 1,493, 1,552, 1,858, 2.15। जो स्थिति निर्यात की रही है वही स्थिति आयात की भी हाकी गई है, जिसे तालिका 4 में दर्शाया गया है। निर्यात की तरह ही ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख आयात एपेक क्षेत्र से ही किया गया है, जो विश्व के देशों में कुल आयात का 70% हाका गया है। इसके बाद आयात के लिए प्रमुख देश यूरोपीय संघ रहा है, जहां से ऑस्ट्रेलिया को कुल निर्यात का लगभग चौथा हिस्सा आयात किया गया है। द्विपक्षीय व्यापार के तहत अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को उसके कुल आयात के 5वां हिस्से से कुछ कम आयात किया गया। निम्नलिखित देश के महत्वपूर्ण आधार के प्रतिशत में किया गया है आयात तथा जापान 21.59, चीन 13.91, जर्मनी 6.25, ब्रिटेन 5.67, न्यूजीलैंड 4.5, कोरिया गणतंत्र 3.98, इंडोनेशिया 3.35, तराइन 3.5। तालिका 4, ऑस्ट्रेलिया आयात की दिशा 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999 कुल निर्यात का प्रतिशत। कुल विश्व 78,998, 90,684, 97,623। कुल एपेक 52,923, 62,542, 78,130, 59.69। कुल EU 19,666, 21,824, 30,334, 24.79। संयुक्त राज्य अमेरिका 17,642, 19,834, 20,893, 21.79। जापान 10,241, 12,660, 13,500,
586, 1399। चीन 4203, 5303, 6106, 6.25। जर्मनी 4.538, 5.207, 4538, 5207, 6082, 6.23। ब्रिटेन 5142, 5553, 5548, 5.67। न्यूजीलैंड 3685, 3723, 3950, 4.5। कोरिया गणतंत्र 2550, 3767, 3895, 3.98। इंडोनेशिया 1874, 64, 2868, 3272, 3.35। ताइवान 2522, 2809, 2969, 3.50। प्रत्येक विदेशी निवेश संकल्पना। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी निवेश का अर्थ है आदिवासियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में परिसंपत्तियों का भंडारण करना और वित्तीय लेन देन के माध्यम से इस भंडार का कम या अधिक होना है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलियाई विदेश निवेश का ऑस्ट्रेलियाई निवासियों द्वारा विदेशों में वित्तीय परिसंपत्तियों का भंडारण करना है और इसमें वित्तीय लेन देन से वृद्धि अथवा कमी होती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश संबंधी आंकड़ों की प्रत्यक्ष विकास संबंधी अन्य निवेश और आरक्षित परिसंपत्तियों में विभाजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के तहत प्रत्यक्ष निवेश एक निवेशक के द्वारा दूसरे देश के उद्यम के निवेशित पूंजी को कहते हैं जो कि निवेश को उस उद्यम की मुख्य नीतियों पर नियंत्रण है एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है चाहे वे संभावित हो या वास्तविक। उद्यम किसी निवेशक के द्वारा किसी 10% या उससे अधिक साधारण शेयर या वोट स्टॉक का मालिक होने से उसको महत्वपूर्ण प्रभावी माना जाता है। विभाग निवेश विदेश में किया जाता है जो पूंजी इक्विटी का सन प्रतिभूतियों के रूप में निवेश किया जाता है। प्रत्यक्ष निवेश से भिन्न अन्य निवेश एक अवसित समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के निवेश शामिल होते हैं। आरक्षित परिसंपत्तियां वह बाहरी परिसंपत्तियां होती हैं जिस पर ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कुल कोष का नियंत्रण होता है। इस संपत्ति का प्रयोग निवेश या विदेशी नियमित बाजार में देख रेख में दखल देने या वित्तीय भुगतान में संतुलन होने पर किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र स्रोत। ऑस्ट्रेलिया सरकार विदेशी निवेश का हक से स्वागत करती है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान करता है। विदेशी निवेश की वृद्धि के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वित्त और संपत्ति क्षेत्र में निवेश के अनुपात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह अनुपात 1982-83 के करीब 15% था जो 1992-93 में बढ़कर लगभग 48% हो गया है। परंतु खनन क्षेत्र में निवेश का अनुपात कम हुआ है जबकि निर्माण के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है तथा उसकी ओर विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण आरक्षक बना रहा है। वर्ष 1997-98 में पारस्परिक विदेशी निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत अमेरिका रहा है जो कुल निवेश का लगभग 44% आका गया है। इसके बाद दूसरा प्रस्तावित निवेश का स्रोत ब्रिटेन रहा है। वर्ष 1997-98 में 48.8 मिलियन डॉलर में से बढ़कर 1998-99 में 127 मिलियन डॉलर अथवा कुल निवेश का 19% हो गया है। पिछले दशक के दौरान ऑस्ट्रेलिया में कुल विदेशी निवेश का आधे से अधिक अमेरिका जापान तथा ब्रिटेन से हुआ।
इस ब्रिटेन के निवेश में कमी हुई। 1998 के दशक के आरंभ में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि निवेश सविभाग निवेश स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार का महत्व बढ़ गया है। इस वृद्धि में संस्थागत निवेश में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। नीति पिछले दशक से गहन रूप से उदार विदेशी नीति ऑस्ट्रेलिया की नियंत्रण मुक्त और बाजार सुधार प्रयासों का अभ्यंग हिस्सा रही। भूसंपत्ति तथा मीडिया जैसे संवेदी क्षेत्रों में ही प्रतिबंध लागू किए गए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन में राष्ट्रीय हितों के आधार पर रोक नहीं लगाई गई। विदेशी निवेश नीति के प्रसारण के लिए देश का कोष अध्यक्ष जिम्मेदार होता है तथा इस कार्य में विदेशी निवेश रिव्यू बोर्ड FIRB सहायता करता है। मीडिया खनन तथा कुछ प्रकार के परिवहन और उसके साथ ही 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक लागत वाले नए वे 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे ज़्यादा संपत्ति वाले व्यापार के 15% या उससे अधिक के शेयर वाले अपने तथा कुछ भू संपत्तियों के क्रय करने वाले के कुछ प्रस्तावों में ही सरकार के विदेशी निवेश रिव्यू बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। फिर भी इस तरह के बहुत से प्रस्ताव ही रद्द किए जाते हैं। खनन में मौजूद खनन व्यापार में स्वामित्व प्रस्ताव की स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब लगे कि ऑस्ट्रेलिया स्वामित्व का नियंत्रण में कमी करने से पर्याप्त आर्थिक लाभ होगा। नया बाजार इसकी अनुमति लागत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो को स्थापित करने के लिए तभी अनुमति मिलती है जब उससे 50% ऑस्ट्रेलियाई शेयर हो नियंत्रण हो। यदि ऑस्ट्रेलिया पूंजी उचित अनुबंधों और शर्तों पर उपलब्ध ना हो तो 50% को भी स्वीकार किया जाता। उद्योग में कानूनी प्रक्रिया को लागू किए बिना निवेश को समाप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी निवेशकों को आरंभिक स्तर पर विदेशी निवेश रिव्यू बोर्ड के साथ अपने प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि गंभीर मुद्दों की पहचान की जा सके और सरकार को प्रस्ताव देने से पहले ही कमियों के हल निकाल लिए जाए। इस नीति का उद्देश्य ये है कि व्यवहारिक और निरपेक्ष हो तथा उसका प्रशासन कठोर नियमों के साथ मार्गदर्शन के आधार पर हो। विदेशी निवेश नीति कार्यान्वयन में ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे सामान्य पारिवारिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की आवश्यक हस्तक्षेप ना हो। विस्तार 1998-99 में लगभग 67.0 मिलियन डॉलर का या तो एकल या ऑस्ट्रेलिया के साथ भागीदार के रूप में विदेशी निवेश का अनुमोदन किया गया। एक वर्ष के दौरान 4000 से अधिक विदेशी निवेश के लिए प्रस्ताव आए जिसमें प्रस्तावित लागत 20 से 50 मिलियन डॉलर की थी। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में किए 5 मिलियन डॉलर के लघु प्रस्तावों को अधिसूचना से छूट की गई थी और 50 मिलियन डॉलर राशि के प्रस्तावों की विस्तृत जांच नहीं की जाती थी। प्रस्तावों को रद्द करने का प्रतिशत लगभग 2% था जो पर्याय आवासीय प्रस्तावित भू संपत्तियों से संबंधित था। ऑस्ट्रेलियाई संख्यिकीय ब्यूरो ने 3 जून 1999 को 612 मिलियन डॉलर का विदेशी निवेश या भंडार का अनुमान लगाया है। प्रस्ताव 30 जून 1998 के मुकाबले 42 मिलियन डॉलर या 7.4% अधिक है। 30 जून 1998 की तुलना में विदेश ऑस्ट्रेलियाई निवेश का स्तर 1958 मिलियन डॉलर था। यह 30 जून 1998 के स्तर से 9 मिलियन डॉलर या 3.7% अधिक था। जबकि ऑस्ट्रेलिया शेयर बाजार में बाजार शेयर विदेशी निवेश पिछले 3 सालों से पर्याप्त रूप से बढ़ा और ऑस्ट्रेलिया उद्योग का विदेश स्वामित्व का अनुपात स्थिर रहा। निजी गैर संपत्ति निगमों के शेयरों का विदेशी स्वामित्व जून 1997 के अंत में 41.5
39 से 30 जून 1998 के अंत में बढ़कर 43.7% हो गया। इस वृद्धि का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि राज्य सरकार के उद्योग का संपूर्ण रूप निजीकरण हो गया। प्रोत्साहन, ऑस्ट्रेलिया सरकार विशेष परिस्थितियों में उन नीतिगत निवेश परियोजनाओं के साथ निवेश प्रोत्साहन प्रबंधनों पर भी विचार करती है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक तथा रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने वाली हो। प्रोत्साहनों के आर्थिक अनुदान करो में छूट अथवा संरचनात्मक सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। प्रोत्साहन देते समय निर्धारित पात्र मानकों के अनुसार प्रत्येक मसले में अलग अलग विचार किया जाता है। मापदंडों में एक आवश्यकता यह है कि बिना प्रोत्साहन के निवेश सामान्य ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, यथा बिना आर्थिक अनुदान के यह संभव नहीं होगा। निवेश प्रोत्साहन सीमित संख्या में विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत किए जाएंगे जो निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित हैं। निवेश से होने वाले महत्वपूर्ण और शुद्ध आर्थिक लाभ, रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि, महत्वपूर्ण व्यापार निवेश, ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधान और विकास क्षमता में कोष वृद्धि, यह सुनिश्चित करना कि मौजूदा उत्पादन क्षमता का प्रतिस्पर्धा ना हो तथा प्रतिस्पर्धा में परियोजनाओं को अनुचित लाभ ना हो। निवेश ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों को परिपूर्णक होना चाहिए। निवेश आर्थिक अनुदान के बिना नहीं दीर्घकाल में उपयोगी है। प्रोत्साहन विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध है। प्रोत्साहन विश्व व्यापार संगठन के तहत ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत अनुबंधनों के स्वरूप है। सारांश, ऑस्ट्रेलिया की व्यापार नीति की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय नीति शामिल है जिसका लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया व्यापार तथा व्यावसायिक हितों के लिए यथासंभव से ज्येष्ठ परिणाम प्राप्त करना है। निर्यात व्यापार को विकसित करने की आशा से सरकार के लगातार सरकारी सीमा शुल्कों बंदरों को कम करने और अर्थव्यवस्था के व्यापक भागों को मुक्त करने, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को और अधिक गति देने का कार्य किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बाजार विस्तार को उन्नत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार बंधनों को प्राथमिकता दी है। ऑस्ट्रेलिया हितों से जुड़े देश ऑस्ट्रेलिया की नीतियां बनाने में भावी भूमिका निभाते हैं तथा वह व्यापार तथा निवेश के इसके भागीदार है। इसमें प्रमुख है और इसके अलावा अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया गणतंत्र, न्यूजीलैंड तथा आसियान के एपेक सदस्य देश हैं। एपेक ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय व्यापार नीति का प्रमुख घटक है और ऑस्ट्रेलिया के व्यापक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों का महत्वपूर्ण तत्व है। ऑस्ट्रेलिया एपेक का एक सक्रिय सदस्य है तथा यह 2010 तथा एपेक के विकसित देशों के लिए 2020 तथा विकासशील देशों के लिए एपेक के मुक्त और स्वतंत्र व्यापार के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया विश्व व्यापार संगठन WHO के अंतर्गत बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के नए व्यापक को भरपूर समर्थन करता है क्योंकि उसका मानना है कि दृष्टिकोण विशेष कृषि और अथवा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया निर्यातकों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कराने में सहयोग देगा। ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में मुख्यत उत्पादनों में कोयला, स्वर्ण, कच्चा लोह, गेहूं आदि मुख्य है। सेवा निर्यात हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण उन्नति कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया में आयात की महत्वपूर्ण और प्रमुख वस्तुएं ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी संबंधित उत्पादन इत्यादि ऑस्ट्रेलिया निर्यात के क्षेत्र के रूप में एपेक के देश सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि महत्व के क्रम में यूरोपियन संघ दूसरे स्थान पर आते हैं। द्विपक्षीय व्यापार के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण बाजार जापान और उसके बाद अमेरिका, कोरिया गणतंत्र, न्यूजीलैंड तथा ब्रिटेन आते हैं। एपेक क्षेत्र ऑस्ट्रेलियाई आयात का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद यूरोपियन संघ आता है। द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन अथवा जर्मनी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने निर्धारितों
निर्धारित मापदंडों के आधार पर विदेशी निवेश को साख स्वीकार करता है। पिछले दशक से विदेशी निवेश नीति का व्यापक उदारीकरण भरपूर मुक्त व्यापार तथा बाजार सुधारों के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस नीति के तहत प्रतिस्पर्ध केवल संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि मीडिया तथा भू संपत्तियों में ही लागू किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया शेयरों में विदेशी निवेश में पिछले 3 सालों में व्यापक और ठोस वृद्धि हुई है, परंतु ऑस्ट्रेलिया उद्गमों का कुल विदेशी स्वामित्व का अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। शब्दावली शुल्क वस्तुओं की बिक्री तथा सेवाओं पर लागू किया जाता है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सीमा शुल्क आयात पर लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी निवेश ये गैर प्रवासियों द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के भंडारण को कहते हैं तथा वित्तीय लेन देन कार्य व्यापार से इस भंडारता में वृद्धि अथवा कमी आती है। समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया निवेश का अर्थ है ऑस्ट्रेलियाई निवासियों द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का भंडारण और वित्तीय लेन देन से इस भंडारण की कमी या वृद्धि होती है। भू परिसंपत्ति इसका अर्थ है भू संपत्तियाँ जैसे कि भवन भूमि इत्यादि। शेयर इक्वलिटी इसका अर्थ है कि कंपनी के स्वामित्व का अधिकार जैसे कि शेयर। बहुपक्षीय व्यापार एक से अधिक देशों के साथ व्यापार करना। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, एंड ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।